अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उस्मान खान टीवी और बेस्ट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो जल्दी से उस्मान खान टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम बात कर रहे हैं UHS के MD कैट टेस्ट की, जो कि 2018 में होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए जो MD कैट का टेस्ट होगा 2018 में, वो कब होगा, ये सवाल इस वक्त हर स्टूडेंट के माइंड में जो है ये गर्दिश कर रहा है और बहुत से लोग तजबजब का शिकार है, बहुत से लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि कब होगा टेस्ट, कब होगा। कोई कह रहा है FSC के इम्तिहान के 8 दिनों के बाद होगा, कहीं पर लिखा आता है 1 हफ्ते के बाद होगा, कहीं पर चल रहा है कि ये जो है अक्टूबर में होगा, कहीं पर क्या, कहीं पर क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि फाइनल न्यूज क्या है। UHS लाहौर की तरफ से ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। UHS लाहौर की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो इस दफा MD कैट का टेस्ट होगा वो FSC इम्तिहान के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद होगा। जब FSC के इम्तिहान के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, वो सेप्टेंबर में हो या अक्टूबर में, उसके बाद MD कैट का टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट है ये इस दफा इम्तिहानात के रिजल्ट से पहले नहीं होगा, ये कंफर्म न्यूज है। ये यहां पर आपको मैं बताता चलूं, UHS की तरफ से ऐसा कहा गया है कि ये जो है MD कैट के इम्तिहान जो इस साल होने जा रहा है वो FSC इम्तिहानात के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद होगा। वो चाहे सितंबर का एंड हो या चाहे वो अक्टूबर हो या नवंबर हो, जब ही FSC के इम्तिहान का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है ये आपका जो एंट्री टेस्ट होगा, जो कि इन मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का जो UHS का टेस्ट होगा, वो टेस्ट जो है MD कैट का टेस्ट जो है वो FSC के दाखिलों के रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद आएगा। और वो रिजल्ट जो है वो फेडरल बोर्ड का हो या पंजाब बोर्ड का, पंजाब फेडरल बोर्ड का रिजल्ट चूंकि पहले आ जाता है लेकिन पंजाब बोर्ड का जो रिजल्ट है वो लेट आता है, तो पंजाब बोर्ड को जो है वो फॉलो किया जाएगा। पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उन तमाम बोर्ड का जो रिजल्ट आ जाएगा FSC का, उसके बाद जो है वो UHS की तरफ से वो डेट मेंशन की जाएगी कि ये जो डेट है वो जो है एंट्री टेस्ट की जो डेट है वो क्या डेट होनी चाहिए, और वो जो डेट होगी वो FSC के रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद जो है वो आपको डेट जो है वो मेंशन की जाएगी कि फलां डेट को जो है वो UHS की तरफ से टेस्ट अनाउंस किया जाएगा। ये जो टेस्ट होगा ये FSC के इम्तिहानात के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद होगा, तो इस वजह से स्टूडेंट्स के पास बहुत ही ज्यादा टाइम होगा जो वो FSC के बाद जो है इम्तिहानात के बाद अपने एंट्री टेस्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे रिपीटर स्टूडेंट जिन्होंने जो इंप्रूव कर रहे हैं उनके पास भी वक्त बहुत ज्यादा होगा कि वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं और भरपूर तरीके से जो है वो अपीयर हो सकते हैं MD कैट के टेस्ट में। और ऐसे तमाम जो फ्रेशर्स हैं जो पहली दफा MD कैट का टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी ये एक बेहतरीन मौका है कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, इस दफा मेहनत कर लें और जो है अपना मेरिट जो है वो अचीव कर लें। तो यहां पर जब बात आती है टाइम के गैप की, तो टाइम चूंकि बहुत ज्यादा है इस वजह से स्टूडेंट्स तैयारी करके आएंगे, तो यहां पर यह भी तवक्को की जा सकती है कि इस साल मेरिट जो है वो 2017 की निस्बत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो यह भी जो है यह तवक्को की जा सकती है कि मेरिट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के जो है इम्कानात मौजूद हैं इस साल के जो एंट्री टेस्ट होगा। ये थी हमारी आज की खबर। इसमें आपको मैंने बताया कि MD कैट का जो टेस्ट है वो FSC के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद होगा, और जो है सिक्योरिटी फीचर्स को भी इस टेस्ट में मद्देनजर रखा जाएगा कि ऐसे तमाम सेंटर्स जहां जहां पर टेस्ट हो रहा है वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी के इकदाम किए जाएंगे ताकि किसी किस्म की नकल को जो है वो जो पॉसिबल ना किया जा सके, किसी किस्म की नकल ना हो सके, जो है सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो मुतारिफ कराए जाएंगे। पहली दफा UHS की तरफ से जो है वो खसूसी सिक्योरिटी पैकेजेस जो है वो अनाउंस किए जाएंगे तमाम एग्जाम सेंटर्स पर जहां जहां MD कैट का टेस्ट होगा, और ये टेस्ट जो है वो FSC के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद होगा, अक्टूबर के अंदर ये टेस्ट होगा, उससे पहले ये टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि पहले एक दफा अखबार में ये चीज आ चुकी है कि ये जो टेस्ट है वो FSC के इम्तिहान के 8 दिनों के अंदर होगा, इस चीज को जो है UHS ने जो है मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, FSC के फौरन बाद नहीं होगा, FSC इम्तिहान के बाद स्टूडेंट्स को एक बहुत ही जो है वो लंबा टाइम पीरियड मिल जाएगा तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। नीचे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।